हाथरस पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे और जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल के निर्देशन में टीआई अखिलेश कुमार बघेल के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। साथ ही वाहन चलाने वालों को ट्रैफिक पुलिस लाइन के द्वारा यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें और ट्रिपल सवारी ना बैठाएं। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने लगभग 150 वाहनों के चालान काटे और जुर्माना भी वसूला। हाथरस पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के निर्देशन में शहर के विभिन्न चौराहों पर काटा गया चालान। यातायात पुलिस ने वाहनों को रोककर उनकी तरीके से चेकिंग की और अगर चेकिंग में नियमों का उल्लंघन करते हुए जो भी वाहन चालक पाए गए उनका चालान काटा गया। लगभग आपको बता दें तकरीबन 150 के लगभग चालान यातायात पुलिस के द्वारा काटे गए, जिसमें हजारों पैसों की चालान वसूली भी की गई। चालान कटने से यातायात चालकों में भड़कंप मचा हुआ है। शहर के विभिन्न जिलों में चालान कटने से जो यात्री हैं, चालक हैं, सतर्क हैं और हेलमेट सीट बेल्ट का भी पूरा ध्यान किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे हाथरस 24 चैनल को फेसबुक इंस्टा पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें।